प्यारे बच्चों, सुप्रभात। अभी तक हमने हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के तीन पाठ कबीर, ललद्यद्य व लासा की ओर पढ़े। अब हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाक्य क्या है। जैसे कि हम जानते हैं, भावों व विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। परंतु वाक्य कहते किसे हैं? शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वह वाक्य कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसके लिए उदाहरण है, जैसे महेश मेरा भाई है, भगवान सबका भला करे आदि। अब हम ये पढ़ेंगे कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है, अर्थात कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता के विस्तार के अंतर्गत विशेषण, संबंध बोधक आदि शब्द आते हैं। भाषा का दूसरा अंग है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। विधेय के अंतर्गत क्रिया तथा क्रिया का विस्तार आता है। उद्देश्य और विधेय को हम निम्न उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला, बालक कक्षा में पढ़ रहे हैं। यहाँ बालक उद्देश्य है, कक्षा में पढ़ रहे विधेय है। जैसा कि हमने पढ़ा, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के सिनेमा देखने गए। यहाँ पर छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के उद्देश्य कहलाएगा, सिनेमा देखने गए विधेय कहलाएगा। तीसरे वाक्य में, मैं दिल्ली में रहने वाली एक सहेली से मिली थी। यहाँ पर मैं उद्देश्य के अंतर्गत आएगा और यहाँ पर क्रिया का विस्तार किया गया है, दिल्ली में रहने वाली एक सहेली से मिली थी, ये विधेय के अंतर्गत आएगा। सुप्रभात बच्चों, पिछले कालांश में हमने पढ़ा कि विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वह वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है व उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य भेद। सामान्यतः वाक्य भेद दो आधार पर किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य भेद। हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा, इच्छावाचक वाक्य। पांचवा, आज्ञावाचक वाक्य। छठा, संकेतवाचक वाक्य। सातवा, संदेहवाचक वाक्य। व आठवा, विस्मयवाचक वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य को हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सामान्य कथन होता है। सामान्य कथन अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं, अर्थात जिनका सीधा अर्थ निकलता है वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये सकारात्मक वाक्य होते हैं तथा इनका उद्देश्य जानकारी देना होता है। जैसे
निम्न उदाहरणों में जानकारी दी गई है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, राम अच्छा लड़का है, मैं जाती हूँ, छात्र पढ़ रहे हैं। इन सभी उदाहरण में जानकारी दी गई है और ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्यों में नहीं, मत, न आदि लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे निम्न उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे, मैं आज नहीं जाऊंगी, तुम वहां मत खेलो, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। ये सारे नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य हैं। विशेष कुछ नकारात्मक वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें निषेधवाचक शब्द अर्थात ना, नहीं, मत आदि का प्रयोग नहीं होता, किंतु ध्वनि या अर्थ निषेधात्मक होता है। जैसे इतनी देर हो गई, अब तो वह आने से रहा, अर्थात बहुत देर हो गई है इसलिए अब वह नहीं आएगा। फिर मैं झूठ थोड़ी ही बोल रहा हूँ, अर्थात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तीसरे वाक्य में ऐसी हालत में श्याम अब कहाँ जाएगा, अर्थात ऐसी हालत में श्याम अब कहीं नहीं जाएगा, अर्थात उस ध्वनि के आधार पर पता चल रहा है कि ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। वाक्य का अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में इनके मूल में जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की इच्छा इन वाक्यों में होती है। जैसे आप कहाँ रहते हो, तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या पिताजी आ गए, तुम कब लौटोगे आदि। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। आज हमने पढ़े विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य व प्रश्नवाचक वाक्य। सुप्रभात बच्चों, हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे थे जो 8 प्रकार के होते हैं। हमने विधानवाचक, निषेधवाचक व प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में जाना। सामान्य कथन जिसमें कोई जानकारी दी जाती है वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये सकारात्मक वाक्य होते हैं। सकारात्मक वाक्यों में न, नहीं, मत आदि लगाकर निषेधवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। वह जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला भेद है इच्छावाचक वाक्य। वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता की इच्छा अथवा आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरों के प्रति शुभकामनाएं व सुझाव इसी के अंतर्गत आते हैं तथा इन वाक्यों में श्रोता यानी सुनने वाला उससे कोई प्रत्यक्ष अपेक्षा नहीं रखी जाती, अर्थात सुनने वाला कोई जवाब दे ऐसी आकांक्षा वक्ता नहीं करता। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आज तो कहीं से भोजन मिल जाए, इन तीनों वाक्यों में इच्छा प्रकट की जा रही है। वाक्य का अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। इन्हें आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना अथवा विनय आदि का भाव हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र देना, यहाँ विनय किया गया है। आप खामोश रहिए, यहाँ आदेश दिया गया है। अपना अपना काम करो, इस वाक्य में निर्देश दिया गया है। ये सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। वाक्य का अगला भेद है संकेतवाचक वाक्य। इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान होता है तथा
एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक काम पूर्ण होने पर ही दूसरा कार्य पूर्ण होगा, ऐसी शर्त इन वाक्यों में होती है, वही संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि पेड़ों को काटने से रोका जाता तो प्रदूषण इतना न बढ़ता। दूसरा, मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। तीसरा, यदि उसने अपना ध्यान रखा होता तो बीमार न पड़ता। तीनों वाक्यों में दूसरा कार्य पहले कार्य पर निर्भर है, यदि पहला कार्य होता तो ही दूसरा कार्य पूर्ण होता। अब अगली कक्षा में हम वाक्य के अंतिम दो भेद संदेहवाचक वाक्य व विस्मयवाचक वाक्य पढ़ेंगे तथा वाक्य को एक दूसरे में कैसे रूपांतरित किया जाता है ये पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे थे। अभी तक हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 भेद पढ़े। पहला, विधानवाचक वाक्य। ये सकारात्मक होते हैं व इनका उद्देश्य जानकारी देना होता है। निषेधवाचक वाक्य, ये नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक वाक्यों में न, नहीं, मत आदि लगाने से इन वाक्यों का निर्माण होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। इच्छावाचक वाक्य, इच्छा अथवा आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा, निर्देश, विनय आदि का भाव प्रकट करने वाले वाक्य आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। तथा जिन वाक्यों में कोई शर्त रखी जाए या एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे वहाँ संकेतवाचक वाक्य होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर 7वां भेद संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता अर्थात बोलने वाले को क्रिया संपन्न होने में संदेह हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात जिन वाक्यों में संदेह प्रकट किया जाए अथवा संभावना प्रकट की जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य भी कहा जाता है। उदाहरण, मेहमान शायद कल आएंगे, हो सकता है आज वह परीक्षा देने जाए, संभवत वह पढ़ रहा होगा। तीनों ही वाक्य में क्रिया पूर्ण होने में संदेह व्यक्त किया गया है, अर्थात कार्य के पूर्ण होने में शंका है। वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य का अंतिम भेद है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों को विस्मयादि बोधक या उद्गारवाचक वाक्य भी कहा जाता है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें, इन वाक्यों में श्रोता अर्थात सुनने वाले की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, अर्थात कोई श्रोता की बात सुने ऐसा आवश्यक नहीं है। वक्ता कभी कभी अकेले अचानक बोल उठता है। वक्ता अर्थात बोलने वाला कभी कभी अपने मन के भाव स्वतः ही व्यक्त कर देता है, इसलिए इन्हें उद्गारवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इनके नकारात्मक वाक्य नहीं बनाए जा सकते। उदाहरण देखिए, ओह आज फिर देर हो गई, यहाँ पर अफसोस प्रकट किया गया है। वाह इतना सुंदर लेख, यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है। शाबाश ऐसे ही उन्नति करते रहो, यहाँ पर हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए अर्थ के आधार पर ये तीनों ही वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, पिछले कालांशों में हमने वाक्य भेद पढ़े, आज हम वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे। वाक्य रूपांतरण एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है, या हम इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य किसी विशेष अर्थ वाले वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य का रूपांतर इन 8 प्रकार के वाक्यों में देखिए।
राधा विद्यालय जाती है, ये विधानवाचक वाक्य है। इसी वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे, राधा विद्यालय नहीं जाती है। प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे, राधा कहाँ जाती है। इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित करने पर इसका रूप होगा, काश राधा विद्यालय जाती। राधा विद्यालय जाओ यहाँ पर आज्ञा दी गई है, इसलिए ये आज्ञार्थक वाक्य कहलाएगा। यदि पिताजी कहते तो राधा विद्यालय अवश्य जाती, यहाँ शर्त प्रकट की गई है, इसलिए ये शर्तवाची या संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। शायद राधा आज विद्यालय जाए, यहाँ संदेह प्रकट किया गया है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। अरे राधा विद्यालय जाने लगी, यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया गया, इसलिए ये विस्मय सूचक वाक्य कहलाएगा। यहाँ पर हमने एक ही वाक्य को 8 प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित करके देखा। अब हम निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करेंगे। प्राची ने उसका काम नहीं किया, ये निषेधवाचक वाक्य है, इसको हम संदेहवाचक वाक्य में बदलेंगे। प्राची ने उसका काम कर लिया होगा। ओह कैसी भयानक बाढ़ है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है, इसको हम विधानवाचक में परिवर्तित करेंगे। बाढ़ बहुत भयानक है। आज पानी बरसेगा, ये विधानवाचक वाक्य है, इसको हम इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे। काश आज पानी बरस जाता। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, ये विधानवाचक वाक्य है, इसे हम संकेतवाचक वाक्य में बदलेंगे। तो इसका रूप ये होगा, यदि बादल घिर आते तो वर्षा होती। इस प्रकार हमने निर्देशानुसार वाक्य के रूप परिवर्तित किए। धन्यवाद।